श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक सफलता दिलाने वाला, व्यक्तित्व निर्माण करने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, शिष्टाचार का रोपण करने वाला और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अपना राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाला इंसान बनाने वाला, यह कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अभिनंदन और सत्कार की इस कड़ी के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और वो विषय ऐसे होते हैं कि जीवन की हर दिशा को खोलते हैं, जीवन की हर दिशा के अंदर कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ न कुछ टिप्स देते हैं, कुछ न कुछ आयाम देते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सफलता का राज शिष्टाचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं दार्शनिक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ। हर प्राणी में, मनुष्य में ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी होते हैं, हर प्राणी के अंदर 10 संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी 10 संज्ञाएं होती है? भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसके अंदर ओग संज्ञा का अर्थ होता है व्यक्तिगत, आदमी का व्यक्तिगत निर्माण करना, और लोक संज्ञा, लोक संज्ञा मतलब समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक जीवन कहिए, राष्ट्र जीवन कहिए, वैश्विक जीवन कहिए, उससे जुड़ी हुई होती है। और खास तौर से जो मनुष्य है वह बहुत एम्बिशियस प्राणी है। मनुष्य कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति जो समझदार है, चिंतक है, वह चाहता है कि मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 बनूं, विश्व का नंबर 1 बनूं, गांव का नंबर 1 बनूं और दूसरा राज्य का नंबर 1 व्यक्ति बनूं। उसके अंदर ये लोकेशना होती है, उसके अंदर जो है ये लोक संज्ञा होती है। तो उसके तहत जो है हर व्यक्ति सफलता चाहता है। ये बात दूसरी है कि वो सफलता हासिल करता या नहीं करता, कर पाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उस सफलता का राज क्या है, वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सफलता का मतलब होता है अपने हर लोग है उसको अच्छा माने, वह सफल व्यक्ति होता है। तो मेरी दृष्टि के अंदर सफल व्यक्ति वह होता है जो इंसानियत को जानता है, जो इंसान धर्म को मानता है और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के साथ में किसी को दुख नहीं देता है। हर वक्त ये चिंतन करता है कि प्राप्त मन वचन काया से इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को मन वचन काया से कोई कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। यानी किसी को कष्ट देना देने वाला आदमी सफलतम इंसान कहलाता है। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, आज का युग कंपटीशन का युग है, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। मैं आपको उस प्रतिस्पर्धा में नहीं लेना चाहता हूँ, कि प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक स्वस्थ चिंतन नहीं है। प्रतिस्पर्धा के अंदर 1, 2 और 3 होते हैं। तो बताइए कि अगर 1, 2, 3 व्यक्ति वो तो सफल हो गए और बाकी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर क्या वो लोग असफल रहेंगे? इसीलिए कंपटीशन है। ये कंपटीशन ईर्ष्या की भावना पैदा करता है, घृणा की भावना पैदा करता है। तो मैं तो आपको बताता हूँ कि सफलता का राज शिष्टाचार है। शिष्टाचार किसे कहते हैं? शिष्टाचार का अर्थ होता है कि स्वयं के साथ और दूसरे के साथ के अंदर शिष्ट व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा ऐसा व्यवहार करना कि अगले वाले को कोई कष्ट ना हो, अगले वाले को दुख ना हो और अगले वाला जो है स्वयं प्रसन्न हो, व्यक्ति स्वयं प्रसन्न हो और सामने वाला व्यक्ति जो हमारे संपर्क में, जिसके साथ हम शिष्टाचार कर रहे हैं, वह भी जो है हमारे से प्रसन्न होना चाहिए। तो वाणी के संबंध में, वाणी जो भाषा है वो जो है वो व्यक्ति को, दुश्मन को भी अपना दोस्त बना देती है। उसके बारे में कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। यानी एक शिष्टाचार का अंग ये है कि हम जो है वाणी, हमारी भाषा जो है ये बहुत बड़ा आधार होता है। उस हम भाषा मीठी बोलें, प्रामाणिक बोलें, सत्य बोलें और उसके साथ साथ में किसी को चुभन नहीं हो,
टॉन्टिंग भाषा नहीं बोली जाए, किसी को गिराने की, किसी घृणा की भाषा ना बोली जाए और किसी को दुख पहुंचे ऐसी भाषा ना बोली जाए। भाषा के लिए यह भी कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। कोई ऐसा बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ऐसा बहुत बड़ा डिस्क्लोज कर दो कोई चीज को कि जिससे कि लोक विरुद्ध हो जावे, हालांकि वो सत्य हो लेकिन लोक विरुद्ध हो जावे, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक वाणी का अंग है और वाणी के लिए कहा गया है कि मारवाड़ी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई व्यक्ति जबान से अपना दो चार पांच शब्द निकालता है, दो पांच सेंटेंस निकालता है, तो उसकी परीक्षा हो जाती है कि व्यक्ति का चरित्र बल कितना है, व्यक्ति के विचारों में कितनी गहराई है और व्यक्ति कितना शिष्टाचार है या व्यक्ति किस मानसिकता का सारी मालूम हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज का जो विषय जो है कि सफलता का राज शिष्टाचार, एक बहुत सुंदर विषय है। इसके ऊपर हम कई बातों पे जो है बातचीत कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की, लेकिन जो जो समय की जो है अल्पता को देखते हुए हम शिष्टाचार के वो बिंदु बताना चाहेंगे कि जिससे हमें सफलता मिले। एक बिंदु मैंने बताया कि हम ऐसा कार्य करें कि किसी को कष्ट ना हो। दूसरा मैंने बताया कि भाषा है, वो वाणी है, वो मीठी बोली जाए, प्रिय बोली जाए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को जो आनंद आए और खुद को आनंद आए। तीसरा जो शिष्टाचार का अर्थ होता है कि चरित्र का धनी, चरित्र के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी हमारी भारतीय संस्कृति जो है आचार प्रधान संस्कृति है, चरित्र प्रधान संस्कृति है, और हमारी संस्कृति का मुख्य उद्देश्य यही है कि चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण करना, चारों तरफ जो है हमें ऐसे व्यक्ति बनाने हैं जिनका चरित्र अच्छा हो। चरित्र से अर्थ ये होता है कि वो नैतिक हो। नैतिक का अर्थ होता है कि ऐसे कानून कायदे नियम जो कि समाज ने अच्छे नियम बनाए हैं, जिसको हम वर्च्यू कहते हैं, मेरिट्स कहते हैं, उन नियमों का पालन करना। हो सकता है अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नियम हों और उसके साथ साथ अलग अलग देश के अलग अलग नियम हों, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जो व्यक्ति जिस देश के अंदर रहता है, तो वहाँ के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना, जिससे किसी अन्य को हस्तक्षेप ना हो, जिससे कोई अन्य जो है को कष्ट ना हो, अन्य व्यक्ति जो है कोई प्रॉब्लम में नहीं आवे, अन्य व्यक्ति का शोषण ना हो, अन्य व्यक्ति के प्रति घृणा की भावना और उसके पास में द्वेष की भावना ना हो, वह सबसे बड़ा शिष्टाचार कहलाता है। और वो नैतिकता का और व्यक्ति के चरित्र का बहुत बड़ा गुण होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो कि हम जिया करते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक अवधारणा दी, कॉन्सेप्ट दिया, और विज्ञान के आने के पहले हम कई हजारों वर्ष से वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जी रहे हैं। हमारी मान्यता ये है कि ये सारी धरती, ये वसुधा है, वो एक कुटुंब है, यानी पृथ्वी एक परिवार की तरह है और हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, हमारे बीच में प्रमोद भावना होनी चाहिए, मध्यस्थता की भावना होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आज के विषय के माध्यम से आपको बहुत सुंदर सुंदर जो है घटक बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सफल हो सकते हो, और ये हमारी हमारी गारंटी है इस पुनरुत्थान कार्यक्रम की कि अगर आप उस रास्ते चलते हो तो कभी भी आपके असफलता नज़दीक नहीं आएगी। अगला घटक, अगला बिंदु मैं बताना चाहता हूँ जो कि मैं मेरे विद्यार्थियों को शिक्षक होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते हमेशा शिक्षा देता हूं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव।
आप हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर आप सकारात्मक सोचने लग जाते हैं, ये जो कॉस्मोस जो है, हर प्राणी को कॉस्मोस एनर्जी देता है, पर्यावरण एनर्जी देता है, तो ये कॉस्मोस की जो एनर्जी जो होती नहीं, हमारे पॉजिटिव एनर्जी आती है। और हम नेगेटिव सोचना चालू करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी इस कॉस्मोस के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव सब भरा हुआ है इस कॉस्मोस में से, पर्यावरण में से, इस सृष्टि माँ में से, इस नेचर के अंदर सारी चीज़ भरी हुई है। हम किस चीज़ का आह्वान करते हैं, हम किस चीज़ को बुलाते हैं, वो चीज़ हमारे पास में हाजिर हो जाती है। क्योंकि ये जो सृष्टि है हमारी माँ है, हमारी माँ से हम मांगते हैं तो माँ कितना भी कष्ट उठा करके हमको देती है। बस हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, माँ के प्रति जो है हमारा रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, तो माँ हमें अवश्य देती है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। आपके साथ कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आ गई है कि आप एकदम जो है गिर गए हो कोई समस्या में, फिर भी उस दुख की घड़ी में से सुख निकालिए। मैं आपको उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर चला गया है और वो झूठा उसको जेल के अंदर किसी ने ब्लेम करके डाल दिया है, तो उस वक्त के अंदर क्या है, आप ईश्वर का चिंतन कीजिए, आप सृष्टि माँ का चिंतन कीजिए कि हे सृष्टि माँ, मुझे जो है वो गलत रूप से जो जेल के अंदर डाला गया है, मेरे से द्वेषता रखने वालों ने डाला है, आप मुझे हेल्प करो। तो कोई न कोई फरिश्ता आपकी हेल्प के लिए आएगा, कोई न कोई ऐसा दिशा निर्देश मिलेगा कि जिसके कारण जो है वह आपको, मैं एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा गांव है कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ी आईएएस पोस्ट का व्यक्ति जो है रिटायरमेंट के बाद उस गांव की सेवा करने के लिए वह हाजिर हुआ। उसने गांव के अंदर ऐसी ऐसी स्वावलंबन की और ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, स्वच्छता की, शिक्षा की, अंधविश्वास मिटाने की समस्त योजनाओं बना के कारण में कुछ लोग जो उससे द्वेष रखते थे, कुछ पार्टीबाजी के अंदर आ गए कि ये व्यक्ति इतना बढ़ रहा है, ये ग्राम को कंट्रोल में कर रहा है, हमारे वोटों का क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, झूठा आरोप लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया। उस वक्त क्या होता है ये देखिए, उसकी पत्नी फरिश्ता बनी, ईश्वर ने उसको भेजा, पत्नी ने एक पुस्तक ला करके उसको दी, उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ था कि तुम जो जाकर के जो तुम्हारा जेलर है, जिसको तुमने जेल में डाला है, उसको या कोई भी सरकार जिसने जेल में डाला उसको बोलो कि जिस राज्य, जिस ग्राम सभा के अंदर मैं कार्य कर रहा हूं और आपने मेरे पे ये इतने आरोप लगाए हैं, वो ग्राम सभा अगर मुझे आरोप सिद्ध कर देती है, क्योंकि मेरा वो कर्म भूमि वो है, उनके लिए मैंने कार्य किया है, उनके हित के लिए कार्य किया है, ग्राम सभा अगर मुझे उस आरोप को सिद्ध कर देती है तो आप भले मुझे फांसी लगा देना। ये बात सरकार को माननी पड़ी क्योंकि बहुत जायज बात थी, न्यायात्मक बात थी, तो उसको ग्राम सभा के सामने उन महाशय जी को खड़ा किया गया। तो एक एक करके ग्राम सभा ने सब आरोपों को नकार दिया क्योंकि वो तो फरिश्ता था गांव के लिए, वो तो सेवा करने के लिए आया था, पार्टीबाजी से और कुछ सत्ता और धन के जो जो भेड़िए होते हैं कहना चाहिए, उन लोगों ने जो है उसको बेचारे को तंग किया। और ये हो रहा है लोगों के साथ में, पार्टीबाजी के रूप में, राजनीति के रूप के अंदर, बहुत सी लालच में, लोभ में बहुत सी बातें होती है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। तो सब नकारने से उस व्यक्ति को बरी करना पड़ा और उस व्यक्ति ने ऐसा सुंदर करके दिखाया कि आज वो हिंदुस्तान का एक आदर्श गांव है जो कि सेल्फ सफिशियंट है, अपने ऊपर है। तो अगर वो एक ऐसा रोल मॉडल भारत के 540,000 गांव के लोग वैसा करने लग जाए तो हमारे को किसी भी लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी सरकार और किसी भी न्याय तंत्र की जरूरत नहीं होगी। सारे फैसले हम गांव में बैठ करके स्वयं हल करेंगे। तो भाई और दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम गहरे मंथन में चले गए थे, अब थोड़ा तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूं। ब्रेक लिया और हम तरोताजगी महसूस कर रहे हैं, अब हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर पुनः सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। बहनों, मैं शिष्टाचार की बात कर रहा था,
ये किससे होता है? ये शिष्टाचार एक ऐसी चीज होता है जो व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जैसा मेरा शरीर है, जैसी मेरी आत्मा है, जैसा मेरा परिवार है, वैसा का वैसा हरेक का है, हरेक के बाद में वो करुणा की दृष्टि से देखने लगता है। तीन तरह की हमारी चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना होती है, एक परार्थ की चेतना होती है, और एक होती है परमार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना होना बुरा नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ग्रस्ती हैं, हमारे शरीर है, परिवार है, घर है, लेकिन स्वार्थ वैसा नहीं, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है, वैसा स्वार्थ नहीं चाहिए। उसके साथ साथ में जो व्यक्ति सामाजिक जीवन जीना चाहता है उसको परार्थ की चेतना भी मैं जाना चाहिए और मान्य करनी चाहिए, वह है कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, सबका सर्वोदय हो। और परमार्थ लोग वो होते हैं भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, भगवान महावीर जैसे, पैगन मोहम्मद साहब जैसे, और जीसस क्राइस्ट जैसे, और गुरु नानक जैसे, जो कि उनकी चेतना यूनिवर्सलाइज हो गई थी, उनकी चेतना वैश्विक थी, वो इस विश्व के 7 अरब की जनसंख्या के अंदर सभी में अपने जैसी आत्मा का अनुभव करते थे, और उसको आत्मा को जो है परमपिता परमेश्वर समझ करके और उनका दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते थे, उनकी वो उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया। तो भाई और बहनों, समय की अल्पता को देख करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिष्टाचार एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन में ढाल करके शिष्टाचार अपनाए तो उस व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में चला जाए उसको कभी असफलता नहीं हो सकती, और उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वह सबका मित्र होगा, सबकी उसके साथ में मित्रता होगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से, पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा आज के सिनेरियो से जो है इस विषय को जोड़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का समय जो है बहुत हमारा नेगेटिव समय चल रहा है। पूरे विश्व के अंदर नकारात्मक भाव बहुत बढ़ गया है, नकारात्मक एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि उस नकारात्मक से हमारा वैचारिक प्रदूषण जो है, हमारी सृष्टि माँ है वह भी जो प्रदूषित होगी, और बेचारी सृष्टि माँ रो रही है कि इतनी नकारात्मकता आप लोगों के सृष्टि के अंदर छोड़ी, उसके आंसू आ रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए पैदा किया था और तुम इस तरीके से नकारात्मक छोड़ रहे हो। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ वैचारिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा मनुष्य छोड़ता है। 84 लाख जीव योनि में एक योनि मनुष्य की है, लेकिन वो वैचारिक प्रदूषण 98% 97% वह छोड़ता है। क्यों? कि बेचारे दूसरे पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े एकेंद्रीय द्वेंद्रीय त्रिएंद्रीय चतुरेंद्रीय पंचेंद्रीय तक मनुष्य को छोड़ करके सभी प्राणों की चेतना इतनी विकसित नहीं है, उनका तर्क इतना विकसित नहीं है, उनकी बुद्धि इतना विकसित नहीं होती है, तो वो क्या किसी तरह का वैचारिक प्रदूषण करेंगे? विचार की अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाते हैं तो कहाँ से प्रदूषण करेंगे? तो मैं मानव जगत को इस शिष्टाचार जो सफलता का राज शिष्टाचार के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा पुनरुत्थान कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म के भाई और बहनों, 7 अरब की जनसंख्या के लोगों, अपना वैचारिक प्रदूषण को रोकिए, और वैचारिक प्रदूषण वैचारिकता के अंदर हमारे जब बुरे विचार आते हैं तो भाव बड़ा खड़ा कर दो, जब जब अशुभ भाव आवे तो शुभ भाव को खड़ा कर दो, ईश्वर का नाम खड़ा कर दो, और ये चिंतन करने लग जाओ कि मेरे जो है मैं 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से नमन कर उसको दर्शन करता हूँ। चूहा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, बोल के मत कहिए, फिर भी कोई भी जीवित प्राणी आपके सामने आवे, चूहा सामने आ गया तो आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मेरे में वही शुद्ध आत्मा है जो इस चूहे में है, वही राम में है, वही कृष्ण में है, वही सीता में है, वही महावीर में है, और वही भगवान ऋषभ के अंदर है। यानी ये शिष्टाचार का प्रभाव है जो कि हमें
इतना यूनिवर्सलाइज बना देता है, हमारी कॉन्शियसनेस को इतना यूनिवर्सलाइज कर देता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो शिष्टाचार अपनाए, और उसको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सारी दुनिया जो है नकारात्मक सोच रही है, मैं ही शिष्टाचार क्यों सोचूं। देखिए, दुनिया की बात जाने दीजिए, दुनिया के लिए तो ऐसा कहा गया है कि दुनिया चढ़े को भी हंसती है और पैदल को भी हंसती। इसका मतलब ये है, एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति के पास में गधा था और उसमें एक छोटा लड़का था और एक प्रौढ़ व्यक्ति था। तो एक बार जो है वो स्वयं प्रौढ़ होने के कारण गधे पर बैठा और चलने लगा, दुनिया हंसने लग गई, कैसा बेवकूफ आदमी है, छोटे बच्चे को तो बेचारे को पैदल चला रहा है और खुद जो है गधे पर चढ़ा हुआ है। तो लोगों की हंसी को देख करके वो बेचारा उतरा और उसके बाद के अंदर उसने अपने बच्चे को बिठाया। फिर दुनिया कहने लगी कि बच्चा कैसा शैतान है कि बेचारे प्रौढ़ बुजुर्ग पिता को तो जो है पैदल चला रहा है और खुद उसके ऊपर बैठा है। लोगों ने उसकी भी जो है चर्चा चालू की, तो इस तरीके से उसको भी नीचे उतारा और दोनों पैदल चलने लगे। कहने करती है, दुनिया पे मत जाइए, दुनिया मापदंड नहीं है, आपका मापदंड आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और वो ऐसा है कि शिष्टाचार करते रहिए आप, तो जीवन के अंदर हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करिए आप, सूर्योदय से लगा करके शाम को सोते समय जो है हर एक के साथ अच्छा चिंतन करिए। और हो सकता है, हम मानव है, टू एयर इज ह्यूमन, कि हम मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करता रहता है, लेकिन गलती होते ही प्रतिक्रमण प्रारंभ कीजिए। अगर आपका एक बच्चे के साथ के अंदर कोई भी गलत व्यवहार हो गया है तो तुरंत हुए कहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे क्रोध के कारण मेरा थोड़ा टेम्परामेंट लूज था, इस कारण से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो मैं गलत कह दिया है। और मान लीजिए कि वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो भीतर प्रतिक्रमण करिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसकी शुद्ध आत्मा के साथ अपनी भावना को भिजवाइए कि मैंने जो आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है, आपको कुछ बुरा लगा है, तो उसमें क्षमा याचना करता हूं। देखिए, ये सारी जितनी भी शुद्ध आत्माएं हैं जो कि 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी में, ये अव्यावाद कहलाती है। अव्यावाद का अर्थ होता है एक शुद्ध आत्मा के अंदर किसी को दुख देने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है शुद्ध आत्मा के अंदर, वो तो हमेशा ब्लिस में रहती है, वो तो हमेशा आनंद में रहती है, वो किसी को दुख नहीं देती है। तो अब देखिए कि मेरी शुद्ध आत्मा, अगले की शुद्ध आत्मा, दोनों ने हमने बीच के अंदर प्रतिक्रमण किया तो वो भावना मेरी उनके तक पहुंची, उसने भी मुझे क्षमा किया, मैंने भी उनको क्षमा की। ये जो सारा कराता है वो व्यक्ति का मन वचन काया कराता है और उसके अंदर जुड़ा हुआ अहंकार करवाता है, ये ईगो करवाता है, ये बेचारी उन आत्माओं का कोई दोस्त नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस एपिसोड के माध्यम से बात बताना चाहते हैं कि आप ईगो को बिल्कुल शून्य कर दीजिए, आप अहंकार को शून्य कर दीजिए। आप ये मानिए कि जिस तरीके से एक सांप के अंदर जो विष की थैली होती है जब वो निकाल दी जाती है, वो सांप भले कितना ही डसे वो कोई जहर नहीं फैला सका, क्योंकि विष की जो है थैली निकाल दी गई है। कालबेलिए बहुत से ऐसे सांप अपने पास में रखते हैं और अपने से नोचाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं लोगों को शो बता बता करके, लेकिन वो क्या उसकी जहर की थैली को निकाल देते हैं। तो हमारे भीतर भी जहर की थैली है, वो जहर की थैली अहंकार, और वो अहंकार मिटता ज्ञान के द्वारा। अच्छे गुरु के पास में जाइए, वह गुरु अच्छा ज्ञान प्रेषित करके आपको यहाँ पर जो है शक्ति प्रेषित करके, ज्ञान देकर के जो है आपके भीतर अहंकार रूपी थैली, कषाय रूपी थैली, राग द्वेष रूपी थैली को बाहर निकाल देता देगा, तो आप विषहीन सर्प जैसे हो गए, तो आपके अंदर राग द्वेष नहीं रहेगा और आप किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर पाओगे, आप इगोस्टिक नहीं बनोगे, आप अहंकारी नहीं बनोगे। ये दुख का कारण राग द्वेष ही है। जब व्यक्ति के राग द्वेष मिट जाता है तो एक परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है,
कोई व्यक्ति सफल होने के लिए ज्योतिष वालों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास के अंदर जाता है, ताबीज बंधवाता है, स्टोन्स लगवाता है, कई कई तरह के भोपों के पास जाता है, कई कई तरह के उपाय करता है। लेकिन मैं आपको एक सीधा सा उपाय बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने भीतर जो है विचारों को शुभ रखिए। अशुभ विचार आते हैं, लेकिन जो ही अशुभ विचार आवे उसकी जगह उसका जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उस शुभ विचार को खड़ा कर दीजिए। जैसे कि लोभ का विचार आपके भीतर आया तो उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति है संतोष। आप संतोष को खड़ा करके देखिए, नहीं भाई मुझे ऐसा नित्य कार्य क्यों करना है, मेरे पास जो ईश्वर ने दिया है उतना सफिशियंट है, उससे मेरा आराम से भरण पोषण हो रहा है, परिवार का भरण पोषण हो रहा है, मुझे अनैतिक कार्य करके और ये घूस नहीं लेनी है, ये अनैतिक कार्य करके मुझे गलत पैसा नहीं कमाना है, उससे मैं भी दुखी होऊंगा, मेरा परिवार भी दुखी होगा। अब जैसी भी हम लुखी सूखी खा रहे हैं, जैसी भी उसमें संतोष कर लेना चाहिए। मैंने एक आपको उदाहरण दिया, जब कभी भी अशुभ भाव आवे तो शुभ भाव को खड़ा कर दीजिए, वह शुभ भाव आपके लिए सबसे बड़ा ईश्वर होगा, सबसे बड़ा ईष्ट होगा, सबसे बड़ा तंत्र होगा, सबसे बड़ा अपना ज्योतिष का ग्रह होगा जो कि आपके फेवर के अंदर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस एपिसोड के माध्यम से पूरी जनता को, 7 अरब की जनसंख्या को एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी जीवन के अंदर शिष्टाचार आप मनाएं, कि 7 बनाएं, कि 7 अरब की जनसंख्या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में इस सृष्टि के अंदर निवास करे और सृष्टि में निवास करने की भरण पोषण की सबको सुविधा है। तो हम जो है अपनी नीड को पूरा करें, ग्रीड में नहीं जाएं, हम जो है लोभ के अंदर नहीं जाएं। मैं आपको एक बहुत बड़ा होमोस्टेटिक का उदाहरण देना चाहता हूँ, भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण। जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज वेयर देर इज ए सेल देर इज ए लाइफ, विदाउट दिस हेल्थ देर इज नो लाइफ एट ऑल। एवरी एनिमेट पर्सन और से लिविंग बींग कंटेन्स दी सेल्स ग्रुप ऑफ दी सेल्स। सो जो हमारी जो कोशिकाएं मनुष्य के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर का संचालन करती है और ईश्वर ने 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों के अंदर सबसे विशाल फैक्ट्री जो दी है वह मनुष्य की फैक्ट्री दी है और मनुष्य की फैक्ट्री सबसे विशाल फैक्ट्री है, इससे बढ़कर के कोई फैक्ट्री नहीं है। इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी, सबसे शिष्टाचार का प्राणी कहलाता है, उसको जिम्मेवारी दी है और उसको ये पट्टा दिया है कि तुम ही मोक्ष जा सकते हो, दूसरा प्राणी मोक्ष नहीं जा सकता है। देखिए, ईश्वर ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी, हमारे पे इतना विश्वास किया, हमारे पे इतनी परीक्षा की और हमको बताया कि तुम ही सर्व जो है लिबरेशन साल्वेशन इमानसिपेशन को प्राप्त कर सकते हो। जो कोई भी प्राणी इमानसिपेशन चाहेगा, मोक्ष चाहेगा, उसको मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है और कितना सुंदर समय है, कितना हम भाग्यशाली हैं कि हमको मानव जन्म मिला है। हम शिष्टाचार के माध्यम से छोटी छोटी शिष्टताएं लोगों के साथ करके, खुद के साथ में करके जो है हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो, देख रहे हो, उसकी अनुपालना कर रहे हो और पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण, जय जगत, जय अणुव्रत का हमारा जो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, समस्त जो है विश्व के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप खूब सात्विक जीवन जीते हुए और अपना शेष जीवन परोपकार में लगावें, समाज सेवा में लगावें। आपके प्रति शुभकामना, मनोकामना।